नमस्ते दोस्तों, जयास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलू घर में किसे पसंद नहीं, खास करके बच्चों को। तो आज मैं आपको दम आलू, मसाला आलू, या इसे कह सकते हैं कि ये कश्मीरी जो पंडित है उनके स्पेशल डिश का एक हिस्सा है। तो आज मैं आपको मसाला दम आलू की रेसिपी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आज हम मसाला दम आलू बनाने के लिए आधा किलो मैंने छोटे आलू लिए हैं। साइज़ बड़ी नहीं लेनी है, ध्यान रहे, क्योंकि हम इन्हें साबुत बनाएंगे। सबसे पहले हम आलू को उबालेंगे। तो इन्हें हम जहाँ 3 सीटी उबालने के लिए लगाते हैं, वहाँ पर हम 1 सीटी में ही इसे उबालेंगे। ज़्यादा इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है। कुकर में मैं ये आलू डाल रही हूँ और 1.5 गिलास पानी डालकर इन्हें हल्का सा उबालूंगी। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ध्यान रहे। दोस्तों, रेसिपी सीखने के लिए मेरा वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आप मेरा अगला वीडियो भी मिस नहीं करें। दोस्तों, हम जो मसाला दम आलू बना रहे हैं तो नाम से ही देखिए मसाला दम आलू है, तो मसाला हमें इसका अच्छे से बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आधी कटोरी दही लिया है। दही की जगह आप चाहें तो अमचूर का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 मैंने टमाटर कटिंग लिया है। 1 लहसुन का पूरा गांठिया मैंने छिला हुआ लिया है। 1 मैंने बड़ा कटिंग प्याज लिया है। 1 मिर्च ली है और 1/2 इंच टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। सब्जियों के साथ मसालों में मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची हम 2 चम्मच ले रहे हैं, धनिया पाउडर भी मिर्ची के बराबर 2 चम्मच लेने हैं, नमक स्वादानुसार डालिए आप, मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है। तो अब इन मसालों को हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ मिक्सी में इसे पेस्ट बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो लहसुन और अदरक की पेस्ट बना के बाकी सारी सब्जियाँ बारीक कटिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मसाला पीस रही हूँ पहले, तब तक हमारे आलू भी उबल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सारी सब्जियाँ और मसाले अच्छे से मिक्स होकर हमने पीस के तैयार कर लिया है मसाला। ये देखिए, आलू में भी 1 सीटी बच चुकी है। तो अब जब सारा प्रेशर निकल जाए उसके बाद हम आलू को ठंडा करेंगे। ये देखिए, हमने 1 सीटी लगा ली है, आलू उबल चुके हैं। आलू को हम ठंडा होने के बाद इसके छिलके हटाएंगे। देखिए, आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम छिलके हटा लेंगे धीरे धीरे आराम से। आलू हमने दोस्तों छील लिए हैं। अब हम फॉर्क की सहायता से आलू को लेकर इस तरीके से इसमें छोटे छोटे फॉर्क बनाएंगे। अगर आप इससे नहीं करें तो आप चाहें तो टूथपिक से भी कर सकते हैं। ये हम छेद इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम आलू को मसाले के अंदर पकाएंगे तो मसाला आलू के अंदर तक जाए और अंदर से आलू हमें फीका नहीं लगे। दोस्तों, मैंने सारे आलू में छेद कर दिए हैं। दोस्तों, मैंने आलू को फ्राई करने हैं इसलिए तेल गरम रखा है पैन में। तो एक बार जब तेल हमारा गरम हो जाए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर करके आलू को इसके अंदर फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हुआ या नहीं हुआ, जीरे के 1-2 दाने डालकर चेक कर लीजिए। ये देखिए, तेल गरम हो चुका है। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देंगे और आलू को मीडियम फ्लेम पर ही हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। ध्यान रहे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आलू जो है ऊपर से जला हुआ लुक दिखेगा, नहीं तो बिल्कुल हल्के ब्राउन फ्राई होंगे जो कि
सब्जी को बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनाएंगे। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होने दीजिए। आलू को धीरे धीरे घुमाते रहिए ताकि ये ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो। ये देखिए आलू हमारे फ्राई होने लग गए हैं, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसी तरीके से हमें 1-1.5 मिनट तक इन्हें और फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। दोस्तों आलू को फ्राई होने में मीडियम फ्लेम पर हमें लगभग 2.5 से 3 मिनट लगे हैं, तो आप भी इन्हें बिल्कुल ऐसा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। तो इन्हें अब हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों कढ़ाई में से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर लगभग 2 बड़े चम्मच ऑयल इसी में छोड़ दिया है। ऑयल हमारा गर्म ही है तो अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच हींग पाउडर। ध्यान रहे दोस्तों गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रहने दीजिए। 1/2 चम्मच जीरा और 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ इसमें डालेंगे। ये देखिए प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं तो इसमें हम मसाला डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर मसाले को 1 से 1.5 मिनट तक हमें फ्राई करना है। और जो पॉट के अंदर देखिए इस तरीके से जो मसाला हमारा बच गया है इसके अंदर हम 1/2 कटोरी पानी हिलाकर वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। जब तक इसमें तेल की तरी वापस से ऊपर नहीं आ जाए तब तक इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाते रहिए। बीच में हम सूखी मेथी जो हमने ली है इसको हल्का सा मैश करके डाल देंगे हाथों से ताकि सब्जी के अंदर जो खुशबू होगी वो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए मसाले के ऊपर तरी आ गई है और जाली भी पड़ गई है। तो हमने जो पॉट का मसाला पानी में हिलाकर लिया है वो पानी का मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इस मसाले में ऐड कर दूँगी तो जो ग्रेवी बनेगी वो थोड़ी बढ़ भी जाएगी। ये देखिए दोस्तों मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे और अब इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि आलू मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है वो इसमें डालूंगी मैं। इसे भी अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। ये देखिए दोस्तों आलू बराबर से मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये हमारा मसाला दम आलू बिल्कुल अच्छे से तैयार है, आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। गैस बंद कर देंगे। ये देखिए प्लेट में हमने सर्व कर दिया है। गार्निश के लिए हमने फ्राई मिर्ची ली है और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया लगाऊंगी ताकि इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो धनिया तो सब्जियों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो ज़रूर यूज़ करना है हमें। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी मसाला दम आलू की सब्जी। दोस्तों तो देखा हमने ढाबे और रेस्टोरेंट जैसा मसाला आलू यानी कि दम आलू घर पर कितना अच्छा बनाया है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होता है तो ज़रूर बनाइए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।